इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां ने जैसे मांगा वचन सुनाया, प्रभु प्रसन्न हो गए। सरकार के श्रीमुख से क्या निकला? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो जो पितु मातु वचन अनु तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। प्रभु कहते हैं माँ वो पुत्र सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचन के अनुसार चलता है। माता पिता के वचनों में जिसको प्रेम हो, अनुराग हो, स्वतः स्फूर्त प्रेम हो, पुत्र पुत्री माता पिता को संतुष्ट करने वाली संतान जगत में दुर्लभ है। देखो दुर्लभ तो भागवत जी के अनुसार दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य का देह दुर्लभ है और मनुष्य का देह पाकर माता पिता के अनुसार चलने वाली संतान भी दुर्लभ। बहुत कठिन, बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है, लेकिन जो कर पाए वो महात्मा है, वो साधु है। मनसा वाचा कर्मणा वो साधु है। प्रभु कहते हैं मां इतने से के लिए पिताजी की यह स्थिति? नहीं 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 नहीं, लगता मेरे से कोई बड़ा अपराध हुआ। कई कई अम्बा क्या कहती हैं, तुम अपराध योग नहीं ताता। हे राम, आप अपराध योग्य नहीं हो, आप अपराध कर ही नहीं सकते हो। लो माँ कहती हैं आप अपराध नहीं कर सकते। क्यों? फिर ऐसा क्यों? लोक मंगल के लिए। कई कई अम्बा ने वचन मांगा लोक मंगल के लिए। राम सुख से बैठने नहीं, असुर लोग ऋषि मुनि साधु संतों को त्रास दे रहे हैं। एक विषय आजकल बड़े जोरों से चल रहा है, आतंकवाद का समापन होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। पूरी दुनिया इसके चपेटा में आ गई है। ऐसा ऐसा नित्य कुछ न कुछ चलता रहता है, न जाने कहां से आ गया है। पूरी दुनिया इसके चपेटा में। हम लोग कहाँ कथा कर रहे थे जब वो पाकिस्तान के एक विद्यालय में बच्चों को मार डाला सब। कहाँ कथा कर रहे थे? किसी कथा में थे? कथा में थे भैया, मुरादाबाद में। बताइए, मुरादाबाद में एक संस्था की 75वीं जयंती पर कथा गा रहे थे। अरे राम, कहां से आता है? लेकिन देखिए दुनिया का ये नियम है, ये धरती का नियम है।
गांव के जिस पोखरे में अथवा क्या छोटी वाली जो पोखरी होती है उसमें जब मछलियां हलचल करती है ना तो गांव वाले मार के खा जाते। दुनिया के धरातल पर जो भी कौम आतंक में गई वो धरती से समाप्त हो गई, कोई रोकने वाला नहीं आतंक में। अरे हलचल हो जाएगी, एक साथ सब विरोधी हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि की व्यवस्था बदल जाएगी। डांट फटकार से आप अपने परिवार को संस्कारित नहीं कर सकते हैं, परिवार भी प्रेम से संस्कार समझता है। डंडे के बल पर न परिवार चलता है न सरकार चलती है, घर भी प्रेम से चलता है। आप सबको प्रेम करेंगे तो आप जो चाहेंगे परिवार वही करेगा, प्रजा वही करेगी, सब कुछ प्रेम से ही संभलेगा। राम राज्य का एक नाम प्रेम राज्य भी है। सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति रीति, श्रुति परंपरा। हलचल से नहीं, उत्पात से नहीं, सबको स्नेह किसी ने SMS भेजा मेरे को कि आपने बहुत अच्छा बोला असहिष्णुता पर। हमने थोड़ी बोला, राम कथा बोल रही, हम कौन बोलने वाले, हम नहीं बोलते, बोलते ही नहीं। अयोध्या में तो सहिष्णुता ही है, वहां कहां असहिष्णुता है क्या? नहीं। भारत में है क्या? नहीं। कहां है? आप इतने लोग बैठे हैं, कौन जानता है किसकी क्या जाति है, क्या पाती है, कितना। माने वन मांगा मेरे प्रभु को तो किस लिए? अरे धरती के भार को उतारने के लिए। राम युवराज पद पर कैसे बैठोगे? पूरी धरती पर यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं असुर लोग, ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ खा रहे हैं, आप युवराज बनोगे? नहीं, जब तक आसुरी संस्कृति का विनाश न हो जाए तब तक युवराज पद पर बैठना नहीं है। ये कैकेयी अम्बा का संकल्प है। ढंग चाहे जो हो, हर आदमी का कहने का अपना ढंग होता है, हर आदमी का अपना तरीका है। बात वही है, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। मां ने मांगा, लक्ष्मण भैया राम जी के बिना नहीं रहते। क्यों? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, राम प्रिय राम प्रिय। कौन? अरे राम प्रिय। हमको कोई कहे महाराज हमारे यहां कथा करने आइए और हारमोनिया तबला और मजीरा सब है तो हम जाब? ये तो हमार प्रिय, जब ये लोग जाएंगे तब है तो हम जाब का हो। अरे अब तो ये आइक माइक सब लेके चले के परत है, क्योंकि इनके बिना अपना काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी के बिना राम जी का काम नहीं चलेगा। क्यों? लक्ष्मण जी राम प्रिय हैं, राम जी के प्रिय हैं। राम जी को प्रिय हैं कि नहीं भगवान जाने। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो आदमी घर से बाहर जाता है और कुछ ले जाए न ले जाए, लेकिन अपना मोबाइल जरूर हाथ में रखता है। क्यों? उसका प्रिय है। माताएं बहनें भी कथा में आई है ना, तो माला भले साथ में न हो लेकिन मोबाइल साथ में रखे,
अरे जिनके हाथ में माला रहती थी हो उनके भी अब मोबाइल रहने लगी, मोबाइल नहीं छूटता। जो प्रिय वस्तु है उसको आदमी छोड़ता नहीं है। लक्ष्मण जी राम प्रिय, और माँ क्यों गई साथ में? अब तो सीता राम जी अलग है ही नहीं, एक ही है, एक इकाई। मैं कई बार कह चुका हूं, पहले जब कार्ड भेजा जाता था ना तो ये नहीं लिखा जाता था श्रीमती एंड सिर फलाना अजीत सरिया, केवल पति का नाम होता था उसमें। जिसका पारिवारिक संबंध होता था तो माताएं भी अपने आप चल देती थी कि हमारा उनका पारिवारिक आना जाना है, चलो। अब तो न लिखा पड़े तो माताएं पढ़ लेती हैं, मेरा तो नाम ही नहीं, आप हो ही आओ, ले थे जाओ, मेरा नाम का को नहीं लिखा है तो मैं को नहीं जाऊँ। ये बदल गया। लेकिन माँ ने जब प्रभु को वंचाते देखा तो यहाँ एक सिद्धांत पक्ष है, क्या? पति परिवार को संहार करने के लिए व्यापार करने बाहर जा रहा हो तो अर्धांगिनी को घर में रहना चाहिए, परंतु पति यदि तपस्या करने जा रहा हो तो अर्धांगिनी को पति के साथ जाना चाहिए, ये नियम है। थोड़ी अवस्था बढ़ जाए, पुत्र वधू में घर में आ जाए तो मां पति से अनुमति लेकर अपने बेटा बहू के पास रह सकती, फिर जाना अनिवार्य नहीं है। पति जाए, अनुमति हो गई, आप घर में रहो, तप का फल प्राप्त हो। मां ने भी निर्णय ले लिया, या तो तन अथवा प्राण, प्रभु समझ गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।